हर दरगह का बसीठ करे अपने रे खड़ी तका करे अपने रे आव सजना हों देखा दर्शन तेरा आव सजना आव सजना मैं
सजना जोड़ी नूं कि गुरु साहब जी की हजूरी विच जाके विराजन की कृपालता करन तां जो जिहड़ी आनंद कारज दीआं रस्मां आरंभ हो सकन। ये महाराज का हुक्म है क्योंकि धन गुरु रामदास महाराज जिहड़ियां चार लावां ने सूही राग के अंदर दर्ज ने ते उस राग का समां 9 बजे तो लैके 12 बजे तक है। 12 बजे सूही राग समाप्त हो जाता है। सो ये मर्यादा है गुरमत की कि जे आनंद कारज होणगे ते 12 बजे तो पहला जिहड़ी लावां की समाप्ति हुक्म है धन गुरु रामदास महाराज जी का। सो बेनती है कि सपागी जोड़ी गुरु के हजूरी विच महाराज की हजूरी विच बैठ जाए ता जो जिहड़ियां आनंद कारज दीआं रस्मां महाराज की असीस लैके आरंभ कर सकीए जी। सगली जोत तेरा
हुण छोटी अरदास होएगी जिहदे विच सारी संगत ने मिल के असीं महाराज अगे जोदड़ी करनी है तां जो गुरु साहब अपना आशीर्वाद बख्शण महाराज ते जिहड़ियां आनंद कारज दीआं रस्मां गुरु साहब दे आशीर्वाद गुरु साहब दे हुक्म तों बाद आरंभ कर सकीए। सारी संगत नूं बेनती है कि असीं सारिआं ने अरदास विच शामिल होना है खड़े हो के, क्योंकि जिहड़ी संगत है इह गुरसिख दी माँ है। गुरसिख नूं जिहड़ी पालना करदी है, गुरसिख नूं गलत कम्मां तों रोकणा, गुरसिख नूं समझाउणा, इह संगत जिहड़ी है गुरु गुरसिख नूं दात बख्शदी है। सो सारी संगत दे चरणां च बेनती कि असीं सारिआं ने खड़े हो के अरदास विच शामिल हो के महाराज दी आग्या लैणी है जी। तुद आगे अरदास हमारे, गुरु साहब जी ने पावन पवित्र हुक्मनामा साहेब बख्श के जिहड़ी आनंद कारज की आग्या दिती है। सो हुण पल्ले की रसम अदा होएगी। मेरी बेनती है परिवारक जिया नूं कि जिन्हां ने पल्ले की रसम अदा करनी है वो कृपा करन, लड़के का पला जिहड़ा है वो लड़की नूं फड़ा देण तां जो लावां की जिहड़ी रसम आरंभ हो सके। हुण पल्ले का शब्द पढ़िया जाना है ते परिवारक जिया नूं बेनती है कि जिन्हां ने भी पल्ले की रसम अदा करनी है वह कृपा करन ते लड़के का पला जिहड़ा है वह लड़की नूं फड़ा देण। राम कली सलोक महला पंजवा, हबे साथ उड़ावे दिखे तो पल्ले
ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ लावा आरंभ होने गया। सुभागी जोड़ी नूं बेनती है कि हुण ग्रंथी साहिबान लावां पढ़नगे। बड़े ही अदब दे नाल, बड़े ही सत्कार दे नाल एकाग्रचित होकर लावां सुननियां ने। जदों पहली लाव विच समाप्ति होएगी, दूजी वार नानक नाम आएगा, ते उदों महाराज नूं मथा टेक के जोड़ी ने उठना है। मथा टेक के ते फिर महाराज नूं अपने सज्जे पासे रखदे हुए परिक्रमा करनी है। ते परिक्रमा दे विच जिहड़ा लड़का अगे होएगा ते लड़की पिछे होएगी। सो इसे तरह जदों लाम पूरी होनी है ते महाराज नूं मथा टेक के बैठ जाना है। फिर ग्रंथी साहिबान दूसरी लाम पढ़नगे ते इसे तरह फिर जदों दूजी वार नानक नाम आएगा ते उस तो बाद उठना है। महाराज नूं मत्था टेक के ते परिक्रमा करनी है जी। सूही महला चौथा हरे पहलड़ी लाव परवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जियो बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ हो पाप तजाया बलराम जियो धर्म दृढ़ हो हरि नाम त्यावो हो सिमृत नाम दृढ़ाया सतगुर गुर पूरा आराध हो सब किलविख पाप गवाया सहज आनंद हो बड भागी मन हर हर मीठा लाया जन कह नानक लाभ पहली आरंभ काज रचाया जन कह नानक लाभ पहली आरंभ काज रचाया। सुही महला चौथा तन तन गुरु रामदास जी महाराज हर पहलड़ी लाव पर
निरभउ पै मन होए हौ मैं मैल गवाया बलराम जीओ। निर्मल भउ पाया हर गुण गाया हर वेखे राम हदूरे हरे आत्म राम पसारिया स्वामी सर्ब रहया पर पूरे अंतरे बाहरे हरि प्रभ एको मिले हरि जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाभ चलाई अनहद शब्द बजाए जन नानक दूजी लाभ चलाई अनहद शब्द बजाए हर दूजड़ी लाभ हर दूजड़ी लाभ हर गुजड़ी लाव हर गुजड़ी लाव सतगुर पुरख मिलाया बलराम दियो फिर पापे मन होए हों मैं मैल गवाया बलराम दियो निर्मल भाव पाया हर गुण गाया हर वेखे राम हरूरे हर आत्म राम पसारे स्वामी सर्ब रहया परपूरे संत जना हर मेल हर पाया बड भागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना बड भागी पाया हर कथिए कथ कहानी हृदय हर 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 तुन उपजी हर जपिए मस्तके भाग जियो जन नानक बोले तीजी लावे हर उपजे मन बैराग जियो जन नानक बोले तीजी लावे हरि उपजे मन बैराग जियो हर तीजी लाव मन जाओ पाया बट पागिया बलराम जियो
गुरमुख मिलिया सुभाए हरे मन तन मीठा लाया बलराम जियो हरे मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अन दिन हरे लिवलाई मन चिंदिया फल पाया स्वामी हर नाम वजी वादाई हर प्रभ ठाकुर काज रचाया तन हृदय नाम विगासी जन नानक बोले चौथी लावे हर पाया प्रभ अविनासी जन नानक बोले चौथी लावे हर पाया प्रभ अविनासी हर चौथड़ी लाव मन सहज सतगुरु में पाया पाया सहज सिद्धि मन में आया
ਗੁਲਾਮੀ ਸੋ ਗਿਓ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਈ ਤਿਸ ਗੀ ਸੇਵ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਈ ਤਿਸ ਕੀ ਸੇਵ ਵਿਆਹ ਹੋ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ
व्याहो हो मेरे Hey.
एह जोरी जियो जोग चार त्योहार एह जोरी जियो जोग चार त्योहार एह जोरी जियो जोग चार त्योहार देह असीस कहे जगदीस एहो जोरी जियो जोग चार त्योहार जोरी जियो जोग चार ये जड़िया पावन सत्रा ने धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज की रचना श्री दसम ग्रंथ दे विचो देह असीस कहे जगदीस कि गुरु साहब कृपा करते ने असीस बख्शते ने आप ये कह के कि असीस बख्शते ने एह जोरी जियो जोग चार त्योहार जोरी जियो जोग चार त्योहार देह असीस देह असीस कहे ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੁਭਾਗੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਗੁਰਮਤੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣ ਦੋਹਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰਗ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੇ ਬਿਤਾ ਸਕਣ ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਦੇਹ ਅਸੀਸ ਦੇਹ ਅਸੀਸ ਕਹੇ ਜਗਦੀਸ ਇਹ ਜੋਰੀ ਜਿਓ ਜੋਗ ਚਾਰ ਤਿਹਾਰ
पौड़ी वड़ी वड़ा पार तेरा मर्दबा रंग बरंग निकल जापन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जानवा सब कुछ तेरे वास तेरा कर भला तेरे कार्य नंद बधाई पुत कर मान माता दे दे अपना बिजर सर्व कला फिरूर दिल से तंदता नानक दास दास तुझे आगे बिन बता तेरा नाम सत है श्री वाहे पौड़ी वड़ी हुड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परंग ने एक न जपन करतबा जिया अंद जियो सबकी जान ला सब किस तेरे बस तेरा कर पला तेरे कर नंद बधाई तुझ गई मान महता तेज अपनाया पजाए सर्व कला भरपूर दिसै जत कथा नानक दास दास तुद आगे बता स्लो पवन गुरु पानी पिता माता तरदा दिस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगे आईया बुरिया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गेम सकत कहा सकत नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नानक ते मुख उजले केती छुट्टी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।